Hi dear student, in previous lecture we have discussed about the differential equation of linear simple harmonic motion. क्या था हमारा differential equation? तो differential equation था d2x upon dt square plus k by m into x is equals to 0. और ये जो k by m term थी, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा था? तो वो लिखा था हमने ओमेगा स्क्वायर, और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. तब मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन के बाद हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा पढ़ना है, एंगुलर वेलोसिटी के फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं. तो अभी हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर जो है, जो आपने इंस्टेड ऑफ के बाय एम लिखा है, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू आया है रूट ऑफ के बाय एम. तो ये वैल्यू कैसे आई, इसके बारे में अभी के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है. देखो बेटो, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा पढ़ रहे हैं हम अभी. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो दैट एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू एम. बट हमने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो एफ इक्वल्स टू ओ है के एक्स. तो एफ की जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस एफ आई हैव पुट द वैल्यू के एक्स. के एक्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एक्स हम पुट करते हैं, या एक्सेलरेशन होता है एट एनी पोजीशन का, तो हमने एक्सेलरेशन की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट कर दिया. अब के एक्स इज इक्वल्स टू यम ओमेगा स्क्वायर एक्स है, एक्स एक्स यहाँ पे कैंसल हो गया, रिमेनिंग क्वांटिटीज है के इक्वल्स टू यम ओमेगा स्क्वायर. देयरफॉर देखो बेटो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाय एम आया, दैट्स व्हाई ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पहला फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला है, एंगुलर वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला मिला है. अब हमें एंगुलर वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला ऑब्टेन करना है. फॉर दैट पर्पस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एफ इक्वल्स टू के एक्स है, मैग्नीट्यूड लिया है हमने, तो के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आया. तो ओमेगा का जो फॉर्मूला है, जहां पे हम यहाँ पे ओमेगा के की जगह पे एफ बाय एक्स पुट कर दिया, तो ओमेगा इक्वल्स टू हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे एफ बाय एक्स बाय एन. एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, और फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. mm get cancel, therefore angular velocity का second formula हमने यहाँ पे obtain किया है omega equals to root of acceleration per unit displacement. यह angular velocity का first formula था, यह angular velocity का second formula है. अब इसको एक alternative method भी है, जैसे कि अगर आप SHM में जो एक्सेलरेशन मिलता है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, जैसे कि एक्चुअल फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन हमने यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड लिया है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स है, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू एक्स रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. दिस फॉर्मूला एंड दिस वन बोथ आर द सेम. तो ओमेगा आया आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, तो हम पीरियड ऑफ एसएचएम के दो नए फॉर्मूले यहां भी ऑब्टेन कर सकते हैं. बेसिक फॉर्मूला आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, टी एंड ओमेगा में रिलेशन होता है, टी इक्वल्स टू टू पाई अपॉन ओमेगा. अब हम ओमेगा की फर्स्ट इक्वेशन में से एक वैल्यू फर्स्ट टाइम पुट करेंगे तो पीरियोडिक टाइम का पहला फॉर्मूला मिलेगा. T is equals to 2 pi upon omega की जगह पे आया k by m. Therefore, first formula for the periodic time is T equals to 2 pi root of m by k. And अगर आप omega की second value put कर देंगे यहाँ पे, T equals to 2 pi upon root of acceleration upon displacement, तो आपको periodic time का दूसरा formula मिलेगा, T equals to 2 pi root of acceleration per unit displacement. In simple harmonic motion, we have discussed about displacement, velocity, acceleration.
तो इसके बाद हमारे नीट के लिए, JEE के लिए कुछ फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट हैं। तो एडिशनल पॉइंट्स उससे रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ओमेगा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी। कैसे आया ये, तो इसका प्रूफ यहाँ पे है। जैसे कि देखो बेटो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मालूम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजिशन पे और उसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा स्क्वायर, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एट द मीन पोजिशन और उसकी वैल्यू होती है ए ओमेगा। अगर आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन का रेशियो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ लेंगे तो आपको मिलेगा ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा। तो यहाँ पे ए गेट कैंसल, एक ओमेगा गेट कैंसल, देयरफॉर ओमेगा रहेगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इक्वल्स टू ओमेगा। तो ओमेगा आया यहां से। अब ओमेगा की वैल्यू आपके पास है मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप पीरियोडिक टाइम का और एक फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि पीरियोडिक टाइम इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा की फर्स्ट वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू है एक्सेलरेशन मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपको पीरियोडिक टाइम का और एक फॉर्मूला मिलेगा, पीरियोडिक टाइम टी इक्वल्स टू 2π वीमैक्स अपॉन मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सिमिलरली बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा गिवन होगा कि पार्टिकल x1 पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, जब पार्टिकल x2 पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी v2 होगी, तब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करो, पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट करो, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करो, तब हम यहाँ पे वो फार्मूला ऑब्टेन करेंगे। देखो तो क्या लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पोजिशन x1 एंड x2 आर v1 एंड v2। x1 पोजीशन पे वेलोसिटी v1 है, x2 पोजीशन पे वेलोसिटी v2 है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंड पीरियोडिक टाइम के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो जनरल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी होता है v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब अगर आप फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लेंगे, x1 पोजीशन पे वेलोसिटी v1 है, ये कंडीशन लेंगे तो ये फॉर्मूला होगा v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी दोनों कंडीशन में दोनों केसेस में सेम है, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। फिर सेकंड कंडीशन के लिए x2 पोजीशन पे वेलोसिटी v2 है तो सेकंड कंडीशन के लिए आपको फॉर्मूला मिलेगा v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड जो है हमें फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यहां पे लिखा है दिस टर्म माइनस दिस वन। यहाँ पे देखो माइनस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, यहाँ पे माइनस माइनस गेट कन्वर्ट इनटू प्लस, तो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, दोनों टर्म यहाँ पे कैंसल हो गई, देयरफॉर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। देयरफॉर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और अगर आप यहां पे जैसे कि मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया है, अगर आप उसके वाइस वर्सा भी कर दे, जैसे कि इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला v1 स्क्वायर की जगह पे v2 स्क्वायर आता है,
माइनस वी टू स्क्वायर की जगह पे वी वन स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स टू स्क्वायर की जगह पे एक्स वन स्क्वायर एंड एक्स वन स्क्वायर की जगह पे एक्स टू स्क्वायर। देयरफॉर पूरे एंगुलर वेलोसिटी के दो फॉर्मूले अभी आपके सामने हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशंस। यहाँ पे ओमेगा से हम पीरियोडिक टाइम के भी फार्मूले निकाल सकते हैं कि डिफरेंट पोजीशन पे जो डिफरेंट वेलोसिटी होती है वो अगर आपको गिवन है तो वी कैन फाइंड द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स वन है तो वेलोसिटी वी वन है, डिस्प्लेसमेंट एक्स टू है तो वेलोसिटी वी टू है, और वहां पे हमने पीरियोडिक टाइम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले डिस्कस किए हैं। अब हम वही फॉर्मूले कंटिन्यू करते हैं और एम्पलीट्यूड के लिए एक नया फॉर्मूला यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट है हमारा वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, तो सेकेंड नंबर के इक्वेशन से फर्स्ट को डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बाकी वी वन स्क्वायर बाय वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको ये सेकेंड स्टेप मिलेगी वी वन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए वी वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी टू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर। अब हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, तो यहाँ पे ये टर्म में एक एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे है, तो दोनों को एक ही साइड में लेना पड़ेगा। देयरफॉर मैंने V2 स्क्वायर A स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया और V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर X2 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। फिर ये करने के बाद आपने A स्क्वायर को कॉमन निकाला है, ब्रैकेट में V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर है इक्वल्स टू V1 स्क्वायर X2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर X1 स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देयरफॉर एम्पलीट्यूड का एक नया फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एट अ डिफरेंट पोजीशन, एंड एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू वी वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। इसकी जगह पे आपको आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे मिलेगा आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे वी वन स्क्वायर ए स्क्वायर को एज इट इज रखा था और इधर से वी टू स्क्वायर ए स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया, अगर आप उसके अपोजिट करते हैं वी वन स्क्वायर ए स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे और वी टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड का ये नया फॉर्मूला मिलेगा। देयरफॉर डिफरेंट पोजिशन पे वेलोसिटी डिफरेंट होती है, तब हमने ओमेगा कैसे फाइंड आउट करते ये देखा है, पीरियोडिक टाइम के बारे में पढ़ा है, अब उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड भी फाइंड आउट किया है। सिमिलरली हमने जो पीरियोडिक टाइम पढ़ा है SHM का, उसमें हमने पढ़ा है कि पहले तो मैं ये फिर से रिपीट करूंगा कि व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मीन्स कि जब पार्टिकल फोर एम्पलीट्यूड कंप्लीट करता है उसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं, एक वन ऑसिलेशन। देखो फिर पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन मींस व्हाट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को लगने वाला टाइम इंटरवल जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। मतलब पीरियोडिक टाइम में कितने एम्पलीट्यूड कंप्लीट होते हैं, फोर एम्पलीट्यूड। तो देखो यहाँ पे ये टाइम इंटरवल के बारे में कुछ केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट फोर एम्पलीट्यूड दैट मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नथिंग बट द पीरियोडिक टाइम, तो उसके लिए कितना टाइम इंटरवल लगा है तो पीरियोडिक टाइम के इक्वल लगा है। सेकेंड वन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करना है, जैसे कि आपने देखा है एक एम्पलीट्यूड दो एम्पलीट्यूड तीन एम्पलीट्यूड चार एम्पलीट्यूड, यहां पे फोर एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने को पीरियोडिक टाइम लगता है, तो एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने को टी पीरियोडिक टाइम बाय फोर कितना टाइम लगता है। फिर अगर पार्टिकल को दो एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने हैं यहां पे,
दो एम्पलीट्यूड्स कंप्लीट करने, तो एक एम्पलीट्यूड को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है, टी बाय फोर, एक के लिए टी बाय फोर, सेकेंड एम्पलीट्यूड के लिए टी बाय फोर, तो टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर इज इक्वल टू टी बाय टू. तो टाइम टेकन टू कंप्लीट टू एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द टी बाय टू. फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल की तरफ जाएंगे हम. टाइम टेकन टू कंप्लीट थ्री एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड के लिए, सेकेंड एम्पलीट्यूड के लिए, थर्ड एम्पलीट्यूड के लिए, मतलब आपको टाइम इंटरवल लगेगा 3t/4. दिस इज द टाइम इंटरवल टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट थ्री एम्पलीट्यूड. अब हमें देखना है ये एक एम्पलीट्यूड, दो एम्पलीट्यूड, तीन एम्पलीट्यूड, चार एम्पलीट्यूड, इसके बारे में हो गया. लेकिन पार्टिकल ने अगर मोशन यहाँ पे मिड पोजिशन से स्टार्ट की है और पार्टिकल अगर मिड पॉइंट पे गया है, किसका मिड पॉइंट है, ये मिड पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है. तो मीन से मोशन स्टार्ट करता है, यहां तक आता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है a बाय टू. और आपको मालूम है पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से भी इधर आया तो डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करना होता है, ऑलवेज फ्रॉम द मेन पोजिशन. तो x की वैल्यू a बाय टू है. देखो फिर मोशन इज स्टार्टेड फ्रॉम द मेन पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट इज a बाय टू. तो जब पार्टिकल उसकी मोशन मेन पोजिशन से स्टार्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. हमने पहले पढ़ा है जनरल इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा होता है. मीन पोजिशन से मोशन स्टार्ट होती है तो अल्फा की वैल्यू जीरो आएगी, तो एक्स इक्वल टू होगा ए साइन ओमेगा टी. अगर पार्टिकल एक्सट्रीम से मोशन स्टार्ट करता है तो इसमें क्या होता है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की वैल्यू हो जाती है पाई बाई टू. तो आता है आपका x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी. लेकिन यहाँ पे मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो गई, x की वैल्यू a बाई टू पुट कर दी है, इधर a साइन ओमेगा मीन्स वाट, टू पाई बाय पीरियोडिक टाइम इनटू टाइम इंटरवल. अब a गेट कैंसल, अब यहाँ पे बाकी 1/2 इक्वल्स टू साइन 2π स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी टाइम इंटरवल, कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम होता है. साइन को ट्रांसफर कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2π स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ये यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा. फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि टाइम इंटरवल कितना लगता है. हमारी लास्ट स्टेप थी साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 2π स्मॉल टी बाय कैपिटल टी. तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 दैट मींस कितना आता है, 30 डिग्री, मतलब आएगा π/6. π/6 इक्वल्स टू 2π स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, π/2 गेट कैंस देयर, 2 को ट्रांसफर किया 1/2 में इज इक्वल्स टू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी. नाउ स्मॉल टी इज इक्वल्स टू t/2. मतलब अगर पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन में यहाँ पे मिड पोजीशन से अगर मिड पॉइंट तक जाता है, यहाँ तक मिड पॉइंट तक, तो इसके लिए जो टाइम इंटरवल लगा है वो t/12 लगता है. जैसे कि एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने को आपको मालूम है कैपिटल t/4 टाइम इंटरवल लगता है, पीरियोडिक टाइम के 1/4 लगता है, यहाँ पे t/12 लगेगा टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू मिड पॉइंट. अब सेकेंड पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐसे पढ़ने वाले, एफ नंबर का पॉइंट ऐसा है कि टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन टू द एक्सट्रीम पोजिशन. मीन्स यहां पे ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल, ये मीन पोजिशन है, ये मिड पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पोजिशन है. तो देखो पार्टिकल को मिड पॉइंट से एक्सट्रीम तक जाना है, तो यहां तक हमने पढ़ा था कि मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक जाने के लिए पीरियोडिक टाइम कितना लगता है, तो टोटल होता है t/4 एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने के लिए. मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, t/12 लगता है. तो मिड पॉइंट से एक्सट्रीम तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो t/4 में से t/12 को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो मिड पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, देखो t/4 माइनस t/, यहां पे आएगा 12.
देयरफॉर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 3 से, तो वी गेट टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू 2t by 12 means t is equals to आएगा t by 6। देखो फिर से हम यहां पे एक बार रिवाइज करने वाले हैं कि जब पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, देखो वीडियो कि एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने को t by 4, दो एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने उसको t by 4 plus t by 4 मतलब कितना आएगा t by 2 आएगा, थ्री एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने हैं t by 4 plus t by 4 plus t by 4 3 t by 4 आएगा, फोर एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने t by 4 plus t by 4 plus t by 4 plus t by 4 मतलब पीरियोडिक टाइम होगा। फिर मीन पोजीशन से अगर मिड तक जाना है तो कितना टाइम इंटरवल लगता है t by 12 लगता है, फिर उसको मिड से अगर एक्सट्रीम जाना है तो कितना टाइम लगता है तो t by 6 लगता है। फिर और एक नया पॉइंट मैं यहां पे आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि पार्टिकल अगर एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट तक जाता है, मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा। देखो मिड पॉइंट यहां से मीन से मिड ले मिड तक जाने के लिए भी टी बाय फोर, और मिड से मीन तक आने के लिए भी टी बाय फोर, मिड से एक्सट्रीम जाने के लिए भी टी बाय सिक्स, एक्सट्रीम से मिड आने के लिए भी टी बाय सिक्स, सेम टाइम इंटरवल होता है। वैसे एक मिड से दूसरे मिड तक जाना है, जैसे कि मैं यहां पे नई फिगर एक ड्रॉ करता हूं, ये एक मिड पोजीशन है, ये दूसरी मिड पोजीशन है, एक मिड पोजीशन से उसको दूसरे मिड पोजीशन तक जाना है, तो इधर का टाइम इंटरवल टी बाय 12 हुआ, इधर का टाइम इंटरवल भी टी बाय 12 हुआ, तो टी बाय 12 प्लस टी बाय 12, टी बाय 12 प्लस टी बाय 12, तो कितना टाइम इंटरवल आएगा। देखो कि एक यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल हुआ टी बाय 12, फिर मीन से ये मिड पॉइंट तक का हुआ टी बाय 12, तो टी इज इक्वल्स टू आएगा 2t by 12 मींस टाइम इंटरवल होगा t by 6। देखो मैंने टाइम इंटरवल के सभी शॉर्टकट मेथड्स आपको बताया है, 4 एम्पलीट्यूड के लिए कितना टाइम लगता है, 3 एम्पलीट्यूड के लिए, 2 एम्पलीट्यूड के लिए, 1 एम्पलीट्यूड के लिए, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर पार्टिकल मीन से मिड जाता है तब t by 12 होता है, अगर पार्टिकल मिड टू एक्सट्रीम जाता है तो टी बाय 6 होता है, पार्टिकल अगर मिड से दूसरे मिड तक आता है एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट तक तो टी बाय 12 प्लस टी बाय 12 मतलब वो टाइम इंटरवल होता है टी बाय 6।